एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन रहेगा प्रासंगिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ सेना के पीछे हटने का हुआ समझौता, द्विपक्षीय संबंधों के लिए एलएसी और सीमा पर शांति जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली को किया संबोधित, कहा राज्य में भाजपा की सरकार आने पर बेरोजगारी को किया जाएगा समाप्त, किसानों का जीवन संवारने के उठाए जाएंगे कड़े कदम। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड हिमस्खलन त्रासदी में मरने वालों की संख्या हुई 34, 170 लोग अभी भी लापता। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र नदियों के तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा और सरयू में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 97.27%, 70 लाख से ज्यादा टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात, बाइडेन ने ताइवान में मानवाधिकारों के हनन और उत्पीड़न पर चिंता की जाहिर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया म्यांमार सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध का आदेश। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 10 करोड़ 78 लाख से अधिक, मृतकों का आंकड़ा 23 लाख 63 हजार के पार।